इस समय मेरे साथ हैं वेल नोन प्रोड्यूसर संदीप सिकन, जिनको आपने अभी बिग बॉस के घर के अंदर देखा और इनका डोज इतना काम आ गया है कि कल से करण के तो रंग ही बदल गए। वेलकम टू फिल्म इंडो संदीप जी। थैंक यू सो मच। आपने तो मतलब अच्छा खासा डोज दे दिया, जो कोई नहीं कर सका वो संदीप जी जाके कराए। मैंने जो देखा उसके हिसाब से मुझे लगा जो मुझे उसे बोलना चाहिए। मैंने उसके मॉम से भी बात करी थी तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि she and I was thinking the same thing, मतलब हमारी सोच बिल्कुल सेम थी, even the audience। हाँ, तो और फिर मेरी सिस्टर देखती है तो मैंने उसको भी पूछा तो ऐसे चलो means these are the point, मतलब मैं करेक्ट हूँ, मुझे अपने सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू लेके नहीं जाना था। तो आई थिंक सबका यही था। तो अभी मेरे को, मैं उसे जैसे बोल सकता था मैंने बोला है। आई जस्ट होप ये जो उसका अभी चल रहा है फेज, वो बढ़ता ही जाए, कहीं जाके वो फिर से गिर ना जाए। तो आई जस्ट होप ही कंटिन्यूस। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि करण विवियन को नॉमिनेट कर देगा। अगर आप नहीं गए होते तो शायद ये नहीं होता। शुक्र है उसने किया, बिकॉज विवियन इज ऑल्सो अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज समबडी आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं हर इंसान को ये ना नॉमिनेशन का एक झटका लगना चाहिए, बिकॉज इट जस्ट मेक्स द गेम मोर इंटरेस्टिंग, उसमें ज्यादा मजा आता है। सो आई एम वेरी हैप्पी ही डिड दैट। ओके, अगर मैं बात करूं तो करण से आपने एक बात कही कि तू बार बार ये पास्ट रिलेशन इससे क्यों चीजें जोड़ता है, बिग बॉस का घर है, तो आपने ये बात मेक श्योर क्यों की? क्योंकि देखो, मैं करण को बहुत सालों से जानता हूँ, मुझे पता है करण देखा जाए तो वो बहुत ही वो थोड़ा ना क्या बोलते हैं उसको, ही इज अ लिटिल मतलब वो हर बात को बहुत पर्सनली लेता है। ओके, और जो भी उसकी पर्सनल लाइफ में हुआ है, यू नो, विद हिज मैरिजेस एंड एवरीथिंग, तो वो ना उसे हमेशा he always thinks that he's on a back foot, उसे लगता है कि मेरी कोई गलती हुई थी। तो वो क्या है ना, वो सब बातों को ना अपने ऊपर लाता है और वो फिर अपने दिमाग में अलग अलग थियोरीज बनाता है जो गलत है। सो आई वॉन्टेड हिम टू बी कम्प्लीटली रिलैक्स, बिकॉज जब आप एक बिग बॉस जैसे शो में जाते हो, आई थिंक आपको कोई बैगेज नहीं होना चाहिए। यू शुड गो विद अ क्लियर माइंड, यू शुड टेक जो भी वहां पर हो रहा है उसको अपने दिमाग में डालो। जो बाहर चीजें हो रही हैं, जो बाहर चीजें हो चुकी है, उससे आपको बाहर निकलना है। तो आई जस्ट ट्राइंग टू टेल हिम कि जो भी तुम्हारा पर्सनल प्रॉब्लम है, जो भी तुम्हारा पर्सनल इश्यू है, उसको अभी बाहर रखो। थिंक अबाउट द गेम एंड डोंट थिंक एनीथिंग एल्स, जस्ट थिंक अबाउट द गेम। सो दैट इज व्हाट आई ट्राई टू टेल हिम। आपको लगता है करण थोड़ा सा इमेज कॉन्शियस या जो बाहर उसके फैमिली फ्रेंड्स हैं उनको लेके कॉन्शियस है? क्योंकि इसी चीज को लेके वो बार बार विवियन को भी बोलता है, बाहर तेरी फैमिली देख रही होगी, बाहर तेरी फैमिली देख रही होगी। करण, यस, वो उसे वो फैमिली, मतलब आई डोंट थिंक ही डजंट केयर अबाउट एनीबडी एल्स, ही केयर्स अबाउट हिज फैमिली फॉर श्योर। तो मैंने इसलिए वही बोला कि उसकी मॉम बोल रही है कि प्लीज खेलो। तो हाँ, वो डेफिनेटली उसके सर पे है, बिकॉज आई एम श्योर कि जब वो बिग बॉस, हम सब जब अभी जो भी बिग बॉस जाता है तो यू नो फैमिली पे सबसे पहले ये बोलती है कि ठीक से खेलना, हमारी इज्जत रखना, मतलब ये जो एक अननेसेसरी प्रेशर आता है ना कंटेस्टेंट के ऊपर। तो मुझे लगता है शायद ऐसी कोई चीज हुई है जो मुझे लगता है जैसे मैंने बोला कि करण के दिमाग में था। सो आई जस्ट ट्राई टू रिमूव दैट, टू से कि भाई छोड़ो ये सब। अभी जब, मतलब बोलते हैं ना, जब आपने कीचड़ में पैर रखा है, then just fight like a pig, you know, don't step back, then just give it all that you have. लेकिन आपके जाने के बाद अब लाडला का टैग ना करण को मिल गया है विवियन की जगह। I hope, मुझे लगता है वो लाडला का टैग बहुत टाइम से it needs to shift, you know, and अगर घर में तीन चार लाडले होंगे ना तो लाडलों में वॉर देखना मजा आएगा। मतलब सिर्फ एक ही लाडला देखना is a little boring for me. क्योंकि अब लोगों को लग रहा है कि करण को गाइड किया गया गेम को लेकर, जबकि विवियन को तो नहीं किया गया। आपके जाने के बाद लोगों को लगता है कि करण को स्पेशली गाइड किया गया। वेरी गुड। अगर चलो, अगर करण को ये टैग मिलता है तो अभी दो लाडलों के बीच में हम फाइट देखेंगे, तो दोनों मेरे दोस्त हैं, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो आपको लगता है ये उसके लिए नेगेटिव तो नहीं होगा ना? नहीं, नहीं, गाइड करना, नहीं नहीं मुझे नहीं लगता है, क्योंकि नेगेटिव होगा, क्योंकि फिर ईशा की माँ भी तो आई थी उसके पहले, आई थिंक अविनाश की माँ आई थी और चाहत की माँ आई थी, तो आई थिंक दिस टाइम दैट इज अ पैटर्न दैट दे आर फॉलोइंग, सो आई डोंट थिंक सो। विवियन की मैं बात करूँ तो विवियन और करण के बीच में एक फ्रेनेमी, फ्रेंडशिप, एनिमी, मतलब हम भी समझ नहीं पाए हैं कि वो है क्या इन दोनों के बीच में। आप इसके बॉन्ड को कैसे देखते हैं? और आप तो दोनों को जानते हैं। नहीं, मुझे लगता है उनका जो बॉन्ड है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इट्स ग्रेट फन, क्योंकि द पॉइंट इज मुझे लगता है वो बहुत ही रियल बॉन्ड है, क्योंकि आप फ्रेंड्स भी हो और आप एक दूसरे की टांग भी खींचते हो, आप में एक कॉम्पिटेटिव स्पिरिट भी है। मुझे लगता है ऐसे ही होना चाहिए। नो रिलेशनशिप शुड बी ब्लैक एंड व्हाइट, इट शुड बी ग्रे। और मुझे सच में बड़ा मजा आता है जब आई थिंक कल या परसों भी करण ने उसके बाल खराब किए या करण ने उसको ऐसा कुछ किया, तो मुझे वो रियल लगता है। आई थिंक इट्स वेरी नाइस, आई थिंक दिस इज, इट्स अ वेरी नेचुरल रिलेशनशिप। मुझे बड़ा मजा आता है उन दोनों को देख के। शिल्पा के सामने क्यों खुलकर करण अभी तक नहीं बोल पा रहा था कि
मतलब मुझे लगता है कि अगर उसने टास्क में सपोर्ट नहीं किया चलता, लेकिन उससे पहले उसने इस बात के लिए अपोज किया होता कि मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, आपने मुझे टाइम कोड नहीं बनाया। सी करण ना, करण मुझे लगता है बहुत ही राइट रॉन्ग गुड बैड के चक्कर में फंसा हुआ है। मुझे भी ये लगा, मतलब मैं शिल्पा का बहुत बड़ा फैन हूँ, मतलब मुझे अगर घर में जाने का चांस मिले तो आई वुड जस्ट गो लव टू हग हर एंड कम बैक, बिकॉज आई रियली एम अ वेरी वेरी बिग फैन ऑफ हर्स। लेकिन मुझे लगता है शिल्पा ने गलतियां की हैं, अभी बहुत सारी। वो गलती है कि वो एक शातिर दिमाग से गेम खेल रही हैं और वो उसे आंसुओं से कवर कर रही है, वो मुझे बिल्कुल नहीं पता, बिकॉज आई डोंट नो हर एट ऑल। सो माय पॉइंट इज कि वो जो भी है, वो दोस्त है तो है, जो भी है, लेकिन करण शुड पॉइंट आउट टू, मुझे लगता है करण ना ये एक बहुत ही इमोशनल दबाव में आ जाता है कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यू नो उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं कि यू शुड बी लाइक दिस, यू शुड बी लाइक दैट। तो मैं वही बोल रहा हूँ, ही इज कैरिंग अ लॉट ऑफ बैगेज। तो मुझे लगता है कि अभी जो उसने उसने बोला शिल्पा को कि आई फेल्ट बैड व्हाट यू डिड, आई थिंक दैट इज हाउ इट शुड बी। तो मुझे लगता है कि हर फ्रेंडशिप में ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा कोई फ्रेंड है और मुझे उसकी बात पसंद नहीं आई है, आई एम समबडी विल गो एंड टेल द पर्सन, लिसन आई डिडंट लाइक दिस, एंड आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है अगर करण ये शिल्पा के साथ करेगा तब इनकी फ्रेंडशिप इन द रियल सेंस ऑफ द वर्ड स्ट्रांग होगी, एंड वो कर रहा है ये, सो विच इज गुड। बट जहाँ शिल्पा का गेम है, मुझे नहीं पता कि क्या वो जेन्युइनली इनोसेंट है कि वो प्रिटेंड कर रही है, वो तो वक्त के साथ पता चलेगा। मतलब अपने फ्रेंड को ही नॉमिनेशन में डाल देना, आप इनोसेंट समझते हैं? वो बहुत ही सिली था, मतलब उसने फिर से विवियन को नॉमिनेट नहीं किया। तो मैं वही बोल रहा हूँ, अगर हमको कोई ऐसा ड्रामेटिक रेवलेशन होगा एंड ऑफ द सीजन के मैं तो हमेशा विवियन के साथ थी, तो वाह वेरी गुड। बट अगर I don't think she's that innocent. I think she knows. और मुझे लगता है कि अभी जब करण ने उसे पकड़ लिया है तो वो आंसुओं का सहारा ले रही है, because एक एक बात पता है क्या है, ये सब actors हैं, ठीक है? और जहाँ पर डेली सोप के जो एक्टर्स हैं ना, they can cry without glycerin. उनको ग्लिसरीन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उन्हें इतना रुलवाते हैं कि उनका रोना बहुत genuine है। तो जब ये एक्टर्स ऑन स्क्रीन रोते हैं ना, I never trust them. क्योंकि मुझे पता नहीं कि वो really रो रहे हैं कि इट्स जस्ट फेक। सो शिल्पा इज ऑल्सो डन अ टीवी शो एंड शी इज ऑल्सो वेरी गुड एक्ट्रेस। तो मुझे नहीं पता कि ये एक्टिंग है कि रियल है। तो वही लोगों को भी डाउट है। आई एम लाइक दिस, आई थिंक करण जो वहां पर है उसे समझना चाहिए, क्योंकि करण भी एक्टर है। तो करण को समझना चाहिए कि भाई ये एक्टिंग कर रही है कि जेन्युइनली हो रही है। तो देखते हैं आप अविनाश और ये जो पूरा चार लोगों का ग्रुप बना है उस पर क्या कहेंगे वर्सेज करण और इनका ग्रुप? I don't like them at all. मैं बहुत क्लियर हूँ, अविनाश एंड ऑल। मुझे एलिस बहुत पसंद है, एलिस मेरी वन ऑफ द फेवरेट कंटेस्टेंट्स है, बिकॉज मैं उसको जानता हूँ। मुझे सिर्फ इस बात का बहुत, मैं बहुत हर्ट हूँ कि एलिस वहाँ पर जाके फंस गई है। आई वॉन्ट एलिस टू कम आउट ऑफ देयर। और मैंने जिस दिन मेरी शूटिंग थी करण के साथ, मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आई वॉन्ट टू स्पीक टू एलिस, बट ऑब्वियसली उनकी क्रिएटिव में वो था नहीं, बिकॉज देयर इज ऑलरेडी अ क्रिएटिव प्रोसेस। I just hope somehow Alice को समझ आए कि वो एक गलत जोन में है। अदरवाइज अविनाश एंड ईशा, आई हैव एब्सोल्युटली नथिंग गुड टू से अबाउट देम, बिकॉज हर बात पे, यू नो, हमारी बिल्डिंग्स में वो जो रिटायर्ड आंटीज और अंकल्स होते हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, वो लोग शाम को आके, अरे पता है 12 नंबर के फ्लैट में ये हुआ, पता है 3 माले वाली ने ये किया, मुझे वो बिल्कुल वैसे लगते हैं। चुगली आंटीज, चुगली, नॉट रियली चुगली आंटी, चुगली आंटीज और खाली पीली। देखिए चुगली करना एक बात है, लेकिन रूमर्स क्रिएट करना, क्योंकि रूमर्स कैन बी वेरी डेंजरस, दे कैन रियली, मतलब वो एक इंसान की रेपुटेशन सबको डैमेज कर सकते हैं। मुझे लगता है ये लोग वो कैटेगरी के हैं और मुझे वो बिल्कुल 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 भी पसंद नहीं है। मुझे अविनाश से तो स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लम है, उसका जिस तरह से एटीट्यूड है, जो एरोगेंस है, वो जिस तरह से बात कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आता है कि ये यंग लड़के जो अभी अपना करियर बनाने आए हैं, वो लोग को इतना एटीट्यूड कहाँ से आता है? मतलब आई डोंट नो वेदर दे रियलाइज के, यू नो, बहुत सारे लोग बिग बॉस देखते हैं और आपके एटीट्यूड और आपकी बिहेवियर से, यू नो, दे मेक अ लॉट ऑफ जजमेंट्स अबाउट यू। तो अगर आप ये बोलोगे कि ये तो मैं बिग बॉस के लिए कर रहा था, सॉरी, इट डजंट मैटर, बिकॉज मैंने तो एक ओपिनियन बना दिया है। एंड आई डोंट इवन अंडरस्टैंड व्हाई इज ईशा डूइंग दिस, आई डोंट नो। मुझे, मतलब ईशा हमेशा करण के बारे में बोलती है, मुझे लगता नहीं है कि ईशा भी खड़ी रही है। ईशा जब भी दिखती है वो अविनाश और एलिस के साथ दिखती है। मतलब मुझे
मुझे अब तक नहीं पता 6-7 हफ्ते जो हुए हैं कि ईशा ने कोई एक ऐसा मुद्दा उठाया हो जो आप बोलो कि अरे वाह ईशा ने क्या मुद्दा उठाया है। ईशा ने कुछ नहीं किया है, तो अगर वो किसी और को कुछ बोल रही है तो वो बात उसके ऊपर भी लागू होती है। और जहां पर अविनाश का सवाल है, आई थिंक अविनाश हैज जस्ट बीन अ न्यूसेंस, ही हैज जस्ट क्रिएटेड नॉइज। इनफैक्ट मुझे चुम तो बड़ी सही लगी थी जब उसने उसको सुना दिया था। एंड आई वाज एंड आई थिंक दैट अभी सलमान सर भी अविनाश को 2-3 बार उन्होंने उसे टोका है, लेकिन अविनाश को बहुत एरोगेंस है। एंड आई जस्ट फील दैट यू नो इट्स रियली सैड कि यू नो अविनाश जैसा लड़का या ईशा जैसी लड़की करण या शिल्पा के बारे में ऐसी बातें करते हैं जो इतने वेटरन्स हैं। मतलब करण हैज बीन इन द इंडस्ट्री फॉर 20-21 इयर्स, शिल्पा इवन बिफोर दैट। मतलब आप उनके साथ ऐसी बातें करें, मतलब यस बिग बॉस इज अ बेबाक शो, बिग बॉस इज अ शो अबाउट बीइंग ऑनेस्ट एंड बीइंग रियल। आई डोंट थिंक यू नीड टू गेट दैट पर्सनल एंड यू नीड टू ड्रॉ अ लाइन, बिकॉज इवेंचुअली ये शो खत्म हो जाएगा, आप लोग बाहर आएंगे, आप लोग सब फ्रेंड्स होने वाले हो। बट ना मुझे लगता है कि थोड़ा तो कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो यंगर जनरेशन है ना, उन्हें लगता है कि आप जितना बदतमीज हो ना उतना आपके लिए बेटर है, विच आई थिंक इज अ रॉन्ग नोशन गोइंग आउट। सो आई एम श्योर एवरीबडी हैज देयर ओन जर्नी, दे विल रियलाइज जब घर में बैठे रहेंगे एंड दे विल रियलाइज के एपिसोड्स देखेंगे, दे विल रियलाइज कि हमने क्या किया है, एंड आई होप दे कैन दे गेट दैट रियलाइजेशन। नहीं तो इस वक्त तो घमंड और एरोगेंस इतना बोल रहा है ना कि यू जस्ट वंडर के मतलब हम इस उम्र में ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। I mean, I don't think anybody should उसके बारे में करण बोलता है ये पहला शो है जहां वो 1 महीने से ज्यादा टिका है। मतलब मुझे उसके बारे में कुछ कमेंट नहीं करना है, जो है वो है, but let's move on. ईशा और अविनाश के फ्रेंडशिप पे हमेशा सवाल उठे हैं, और ये कहा जाता है कि ये लोग दूसरों के कैरेक्टर पर बात करते हैं, लेकिन जब बात खुद पर आती है तो क्या ये खुद देखते हैं कि दूसरों की लड़कियों के कैरेक्टर एसोसिएशन को तो बहुत इजीली कर देते हैं, पर खुद पे बात उठे तो इनको सॉरी भी चाहिए। यू नो वीकेंड के पहले, जब वीकेंड का पहला बार हुआ था, तब सलमान सर ने बोला था आई थिंक चुम को या चाहत को, आई डोंट नो हु, आई एम नॉट श्योर, कि आपने बोला कि अविनाश डेंजरस है लेडीज के लिए, समथिंग एंड अविनाश के पेरेंट्स देखेंगे तो उन्हें क्या लगेगा। उस वक्त मेरे आई वॉज वेरी अपसेट बिकॉज अविनाश ने शिल्पा के बारे में इतना बोला था, तो क्या शिल्पा के बच्चे नहीं देखेंगे, क्या शिल्पा के बच्चे नहीं फील करेंगे कि अरे हमारी माँ को क्या बोला जा रहा है। तो मुझे वो बहुत ही वन साइडेड लगा था, मुझे पता नहीं वो क्यों ऐसा था, आई मीन आई थॉट इट वॉज जस्ट नॉट नीडेड। लेकिन जहां तक किसी के कैरेक्टर का सवाल है, मैं किसी के कैरेक्टर पे उंगली बिल्कुल नहीं उठाऊंगा, बिकॉज ये एक शो है डाउन द लाइन। पर चाहत के लिए भी उसने बोला था मेरे गीले बदन को देखना चाहती है, वो सलमान सर ने उसको बोला था कि वो गलत है, आई वॉज वेरी हैप्पी अबाउट दैट। पर मैं यही बोल रहा हूँ ना, ये जो यंगर जनरेशन है ना, आई थिंक उन्हें लगता है कि हम ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं, उन्हें लगता है कि हम ऑलरेडी आ चुके हैं, तो उनको लगता है कि हम जितना भी बदतमीजी करें ना वो चलता है। पर प्रॉब्लम वही है कि दे विल टेक टाइम, बट उन्हें जब ठोकर लगेगी ना तब वो लोग रियलाइज करेंगे। तो मैं ना ईशा ना अविनाश या किसी के कैरेक्टर पे उंगली बिल्कुल नहीं उठाऊंगा, बिकॉज दैट इज नॉट मी। बट मुझे सिर्फ एक बात बोलनी है कि जब आप एक उंगली किसी को पॉइंट करते हो ना, तो बाकी के 4 उंगलियां आप पे पॉइंट करती हैं, दैट दे शुड रिमेंबर। बट उन्हें लगता होगा कि ये ओल्ड लोगों की बातें हैं, ये सब नहीं होता है। पॉइंट इज कि हम जितने भी बूढ़े हो जाए, हम जितने भी ओल्ड हो जाए, हम आज भी पूजा करते हैं, हम आज भी अपने माँ बाप के पैर छूते हैं, तो उस हिसाब से वी शुड ट्रीट एवरीबडी गुड और बैड विद द सेम माइंड ऑफ रिस्पेक्ट। ये जो क्वालिटी है मुझे लगता है ये जो यंग लोगों में, स्पेशली जो टेलीविजन एक्टर्स हैं, मैं फिल्म एक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे खुद ये टैग देना टीवी एक्टर्स बुरा लगता है, मुझे लगता है एक्टर इज एक्टर, लेकिन कुछ लोग टीवी एक्टर्स ही हैं, और मुझे लगता है कि ये जो एरोगेंस है ना, ये उन एक्टर्स में बहुत ज्यादा है जो टेलीविजन पे आते हैं, ये मैंने बहुत सारे सीजन में देखा है। मतलब शहजादा में भी आपको ये बात लगी थी? वेल मुझे ज्यादा नाम नहीं लेने हैं, लेकिन सीजन बाय सीजन आई हैव सीन द यंगर जनरेशन ऑफ एक्टर्स बिहेव इन अ वेरी एरोगेंट एंड अ वेरी बैड मैनर, बट वेल देयर कर्मा इज विद देम। आई जस्ट फील कि अगर आप इस लाइन में हो तो सक्सेस से ज्यादा आई थिंक यू नीड टू बी ह्यूमन, यू नीड टू बी रिस्पेक्टफुल, and you need to be extremely humble, because ये career चला जाएगा, काम चला जाएगा, people will remember you for the person you are. Yes, मतलब true. मेरे मतलब हम हमेशा मतलब I've always believed in one thing that don't forget the people when you are going up, because these are the same people you'll meet when you go down. Yes. So I think this is something that they should understand, उन्हें माँ बाप को ये बताना चाहिए, but
एरोगेंस लेवल बहुत बहुत ज्यादा बढ़ रहा है यंगर जनरेशन में, व्हिच इज अ वेरी स्कैरी थिंग. दूसरी तरफ चाहत भी है जो उसी जनरेशन से आती Correct. है. शुरुआत में देखा कि उसके साथ बहुत बुली भी होती, वो जहां जाती Correct. थी लोग चले जाते थे, फिर भी उसने चीजों से डील किया और मुझे लगता है एक डार्क हॉर्स की तरह निकली वो, अपने स्टैंड पे डटी रही, जहां गलत होता है बोलती है. तो आप चाहत को कैसे देखते हैं? मुझे ना इनफैक्ट लगता है कि घर वालों ने चाहत को हीरोइन बना दिया. मुझे स्टार्टिंग में चाहत वेरी ट्रू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी. आई वाज थिंकिंग क्या कर रही है, लेकिन सब लोगों ने बिचारी को इतना टारगेट किया कि मुझे पसंद लाने लगी. ऐसे नहीं भैया, ये बिचारी है, ये लड़की. और अगर आप देखा जाए तो चाहत हर मतलब वो विवियन को भी जवाब देती है, वो जो जो कौन है वो बड़ा दलाल रजत दलाल को भी जवाब देती है, वो अभिनव मतलब वो सबसे जूझती है वो, और उससे जब अकेले खेल रही हाँ, वो खेल रही है ना. आई थिंक दैट्स वंडरफुल. तो आई थिंक चाहत इज डेफिनेटली वन ऑफ दोस पीपल हु आई नेवर लाइक बट नाउ आई लाइक. So, great. विवियन को शो में फेवर मिल रही है, बात आप मानते हैं? आई डोंट थिंक सो. मतलब एक कॉफी के पैकेट या एक एक्स्ट्रा बटाना वड़ा या एक पिज्जा से आई डोंट थिंक फेवरिंग होती है. टाइम गॉड मतलब अभी किसी ने तो उसको बनाया होगा टाइम गॉड, मतलब बिग बॉस ने तो नहीं बोला कि तुम टाइम गॉड का. एक बार तो शिल्पा ने बनाया जो मुझे शिल्पा का लॉजिक बिल्कुल समझ में नहीं आया. दूसरी बार वो कैसे टाइम गॉड बने मैंने देखा नहीं. बिग बॉस स्टाफ टूट गया था तो बिग बॉस ने बोला अब ये टास्क ही रद्द, विवियन ही कंटिन्यू करेंगे. हाँ, जो तो करण और रजत के बीच हाँ, था. तो करेक्ट था. अभी वो अभी अगर ऐसी चीज हुई है सो आई डोंट थिंक दे आर बीइंग बायस्ड. मुझे तो इनफैक्ट लगता है कि बिग बॉस उसको लाडला इसलिए बुला रहे हैं कि बाकी लोगों को वो प्रोत्साहित करे कि भैया आप भी बनो लाडला, जो मैंने करण को बोला था, या खेलो उसके खिलाफ हो, ये भी हो सकता है. यू नो यू मैच अप टू हिम. लेकिन ये लोग ना अरे लाडला है लाडला है, मतलब मैं पक गया हूँ. मुझे लग रहा है विवियन भी सोचता होगा मैं किस तरह का लाडला हूँ. मतलब मेरे साथ क्या हो रहा है, एक कॉफी आने से अगर आप लाडला बन जाते हो देन तो भैया स्टारबक्स में सब लाडले हैं, सबको कॉफी मिल रही है. सो आई डोंट गेट इट. एक बहुत ही पॉपुलर सोशल मीडिया के लिस्ट आती है टॉप फाइव की, जिसमें रजत को नंबर वन मिला है, उसने विवियन करण को भी पीछे छोड़ दिया है. क्या कहेंगे आप? आपको लगता है कि रजत वाकई में इतना अचीवमेंट के साथ अगर हल्की सी तमीज भी होती उस लड़के में तो बेटर होता. मुझे इस वक्त उसके मेडल्स नहीं दिखाई देते, मुझे सिर्फ उसकी बदतमीजी दिखाई देती है. मुझे सिर्फ उसका जो एक लाउड वॉल्यूम है, हर बात पे चीखना, हर बात पे चिल्लाना और जो दादागिरी करना, मुझे वो दिखाई देता है. जो जैसे मैंने बोला कि अगर आपके पास सक्सेस है, अगर आपके पास पावर है तो हल्की सी ह्यूमिलिटी भी होनी चाहिए. तो अगर वो होती तो आई वुड हैव लाइक्ड हिम बेटर. बट अगर वो टॉप फाइव में है तो है, अगर वो नहीं है तो नहीं है. इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू मी. तजिंदर बग्गा आपको लगता है कि बहुत ज्यादा टिक गए, उससे ज्यादा भी डिजर्विंग कंटेस्टेंट? हाँ, आई डोंट नो व्हाई इज ही देयर. आई मीन आई डोंट नो मतलब वो कैसे बच रहे हैं, आई डोंट नो. बट चलो किस्मत साथ दे रही है तो वेल एंड गुड, बी देयर एज लॉन्ग एज यू आर, बट डज नथिंग फॉर मी. करण और चुम के बॉन्ड की मैं बात करूं तो एक फ्रेंडशिप का बॉन्ड है, लेकिन कई बार उसको ऐसे दिखाया जाता है कि दोनों में लाइकिंग है, छेड़ा भी जाता है. हालांकि हमने देखा चुम अनकंफर्टेबल हो जाती है. तो आपको लगता है कि ऐसे फोर्सफुली बॉन्ड बनाना, मतलब मेकर्स को इससे तो टीआरपी मिल जाएगी क्या? मेकर्स ने थोड़ी उनको बोला है कि तुम बॉन्ड बनाओ, जो हो रहा है फ्रेंडशिप बॉन्ड है, लेकिन जो लव एंगल डालने की कोशिश कर रहा है कि करण तुम्हें वो हिंट दे रही है. हाँ, तो वो तो मतलब वो तो चलो वो तो मस्ती चल रही है. तो आई डोंट नो, बट आई थिंक अगर करण को चुम पसंद आती है या चुम को करण पसंद आता है देन ऑब्वियसली उनकी पर्सनल लाइफ है, दे कैन डू व्हाट दे वांट टू डू. बट I don't know, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई ऐसा पुश कर रहा है. मतलब and I think Karan is sensible. I think Chum is also very, मतलब वो मेरी favorite contestant है. मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसी किसी बातों में आकर वो एक fake romance या कुछ करेगी. I think जो चीज organic होती है वो organic होती है. तो I don't think it push these things. आपकी जब मम्मी से बात हुई उनको कुछ कंसर्न था चुम और करण के बॉन्ड के बारे में? उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, उसकी मॉम ने तो कुछ नहीं बोला. शी जस्ट सेड कि मेरे बेटे को बोलो खेलो बस, वो पता नहीं क्यों बैकफुट पे है. तो शी वाज आल्सो कंसर्न कि यू नो पता नहीं वो क्यों बात नहीं कर रहा है. उसका और मेरा एक ही कंसर्न था कि उसको वो साइकिल पे नहीं बैठना चाहिए. तो मैंने उसको बोला था करण प्लीज चेंज योर वर्कआउट. तो कल के एपिसोड में मैंने साइकिल कहीं नहीं देखी. मैं तो बिग बॉस से ये बोलूंगा वो साइकिल फेंक दो जस्ट गेट इट आउट. वो जाके क्योंकि सी करण वैसा ही है, अगर वो जब गुस्सा होता है या वो उसको कुछ चीज डिस्टर्ब करती है ना वो सारी अपनी एनर्जीज अपनी बॉडी बिल्डिंग में डाल देता है. तो वो वही कर रहा है, वो जब भी साइकिल पे बैठ रहा है मतलब उसे वो कुछ इरिटेट हो रहा है, वो पूरा का पूरा अपना गुस्सा वहां पर निकाल रहा है. तो अगर बिग बॉस वो साइकिल हटा दे
तो फिर वो लोगों पे निकालेगा और फिर आपको कंटेंट मिलेगा. तो आई थिंक दैट साइकिल शुड गो फर्स्ट. और एक और चीज करण की रेगुलर दिखाते हैं, सुबह 8 बजे से पहले उठता है, खाता है और बर्तन वर्तन धो के रख देता है, कोई सबूत नहीं छोड़ता है. उसका वो उसका वो न्यूट्रिशियस आदमी है, तो उसका वो खाने का बड़ा मतलब उसको अपना खाना चाहिए. yes. मतलब रात को वो खाना चाहिए उसको. चलो दैट्स द कैरेक्टर. श्रुतिका एक ऐसी है जिसके बारे में लोग कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छा खेलते खेलते कहीं भटक गई है. आपको लगता है ऐसा है या वो सही है? मुझे श्रुतिका बहुत क्यूट लगती है, मुझे वो बहुत ही स्वीट लगती है. शी इज अ वेरी वेरी एंडियरिंग कैरेक्टर. लेकिन वेरी ऑनेस्टली बीच में मैंने कुछ एपिसोड नहीं देखे थे, बिकॉज ऑनेस्टली मैं बोर हो गया था तो मैंने एपिसोड नहीं देखे थे. हाँ जब मैं बीच बीच में देखा तो सडनली मतलब दिस पीपल वर अ फैमिली, फिर पता नहीं क्या हो गया. बट आई थिंक श्रुतिका इज समबडी जो दिल से खेलती है और उसके वैलिड रीजन्स होंगे, पर अगर वो भटक गई है तो आई एम श्योर वो लड़की वापस आ जाएगी, बिकॉज वो बहुत ही बैलेंस लड़की है. मुझे वो मुझे लगता है वही एक ब्राइट स्पॉट है पूरे एपिसोड पूरे घर में, जो स्माइल करती है. और उसका भी आई थिंक अविनाश का उसके साथ भी पंगा चल रहा है. yes. हाँ, तो अविनाश की तो बात ही छोड़ दो. सो आई जस्ट फील दैट शी इज वेरी नाइस, शी इज वेरी स्वीट. आई थिंक वो आ जाएगी लाइन में. दिग्विजय और कशिश भी अभी नई एंट्री हुई है शो में, उनके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? ऐसा लगता है कि दिग्विजय बाहर से देख के गया कि मुझे विवियन से लड़के फुटेज मिलेगा और वो ही उसने ट्रैक पकड़ा है. ये लोग स्प्रिट्स विला से आए हैं, सो दे नो हाउ टू डू इट एंड व्हाट टू डू इट. तो मुझे ना वो फ्रेश नहीं लगते, मुझे रिहर्स्ड लगते हैं. तो कशिश तो बस बातें करती जाती है, मतलब एक बार ट्रेन स्टेशन से छूटी तो चलती जाती है, ना कॉमा ना फुल स्टॉप ना कुछ. तो मुझे वो मतलब मुझे मे बी दिग्विजय कुड बी ओके, बट कशिश इज आई थिंक शी इज डन. मतलब वो उसने आके अपने बारे में इतना सब कुछ बता दिया कि नाउ देयर इज नो फ्रेशनेस लेफ्ट. मतलब मुझे पता है कि ये कुछ ना कुछ बोलेगी, ये स्प्लिट्सविला खेलेगी. तो मुझे इस बार मैं बोल रहा हूँ, मुझे हाउस का मिक्स बहुत अच्छा लगा नहीं है. तो आई फील दैट कुड हैव बीन बेटर वाइल्ड कार्ड्स, बट अभी जो है वो है. ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार कशिश और एलिस दोनों नॉमिनेटेड हैं, मतलब 5-7 लोगों में से. हाँ. इन दोनों में से किसी के चांस होंगे बॉटम टू में, ये दोनों हैं कशिश एलिस, ऐसा कह रहे हैं. आई रियली वुड वांट एलिस टू प्ले, आई रियली वांट एलिस टू बी देयर, बट आई वांट कि एलिस उन दोनों के चंगुल से बाहर निकले. ट्रू. अभी आई जस्ट होप उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है ये करने के लिए. अगर नहीं मिलेगी देन आई वुड honestly be heartbroken, because I think she's a wonderful girl and pata nahi wo ladki se kahin immaturity ho gayi, wo ek galat zone mein chali gayi hai. So I just hope she gets a chance. aapko lagta hai ki kahin jo beech mein Alice ko wo cover ki baat batayi gayi thi ki usne to shaadi wali baat hi nahi ki, usse wo thoda disturb ho gayi hai aur maybe maine khair wo interview dekhi nahi thi, and again it is her personal matter. The gentleman in question, I don't know. मतलब मैं उन्हें personally कभी नहीं मिला हूँ, तो मैं उसके बारे में कुछ comment नहीं करना चाहता. लेकिन मुझे लगता है that whole incident could have been avoidable. Yes. Especially now when Alice अपनी बात बोलने के लिए नहीं है. तो अगर Alice ने भी कुछ बोल दिया होता, अगर ऐसा कुछ बोल दिया है जो शायद आपको पसंद नहीं आया, तो आप थोड़ा patience रख सकते थे. आपको पता है कि वो Big Boss में है, आप ज़रा patience रख सकते थे. लेकिन अभी जो हुआ वो हुआ, बट वो नहीं होना चाहिए था, इज व्हाट आई थिंक. आपको लगता है मेकर्स को भी नहीं दिखाना चाहिए था, क्योंकि उसका लेना देना ही नहीं था? नहीं, देखो मेकर्स के लिए तो कंटेंट है, राइट? सी द पॉइंट इज, आप ना आप रियलिटी प्रोड्यूसर्स को कुछ नहीं बोल सकते, नॉट बिकॉज आई एम अ प्रोड्यूसर, बट अगर आप रियलिटी कर रहे हो तो एवरीथिंग इज रियल. मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ. जब हम लोग बिग बॉस 1 कर रहे थे तो एनडी स्टूडियो में शूटिंग होती थी, और उस वक्त आर्यन वैद इविक्ट हो गए थे, एंड आर्यन वैद was completely in love with Anupama Verma at that time in the house. Yeah. तो जब आर्यन वैद निकले थे, आर्यन वैद was broken. मतलब वो रोए जा रहा था, आप अभी भी अगर वो episode देखोगे YouTube पे है, तो अर्शद बोल रहा, वो अर्शद को बोल रहा था कट. मतलब वो अर्शद के साथ बैठा था, and he was saying cut, cut. And मैं monitor room में था, I was in the control room, and I said don't cut. And you know my team said no, he's saying to cut. I said no, he may say whatever he wants. Yeah. This is reality. Don't cut. And we told Arshad it's cut. So Arshad said it's cut. And उसने जो उसको बोलना था वो बोला. So my point is, reality TV किसी का भाई बाप सगा नहीं होता, जो real है वो है. तो अगर ऐसी कोई बात हुई है, तो अगर reality के लोगों को पता चला कि this can help us in content, they have full right
टू स्पीक अबाउट इट, बिकॉज जब आप बिग बॉस जैसा शो करते हो आप अपनी पूरी पर्सनल लाइफ को लोगों के सामने रख रहे हो और आपने वो अलाउ किया है। तो यू नो मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि अरे आपने हमारे बारे में ऐसे क्यों बोला वैसे क्यों बोला, ऐसे मैं कभी भी किसी की पर्सनल लाइफ में कभी कमेंट नहीं करता हूँ। आप कभी मेरा कमेंट नहीं देखोगे उन लोगों के लिए जो बिग बॉस में नहीं गए हैं। हाँ, जो लोग बिग बॉस में गए हैं मैं उनके बारे में कमेंट जरूर करूंगा क्योंकि मैं एक व्यूअर हूँ। और नंबर टू, आपने खुद अपनी मर्जी से अपनी पर्सनल लाइफ को डिस्प्ले पे डाला है। True. तो जब आप अपनी पर्सनल लाइफ को डिस्प्ले पे डालोगे तो लोग तो बात करेंगे। बात करेंगे। एंड आपने एक एंटरटेनमेंट शो के लिए आपने डाला है, तो अगर मैं एक ऑडियंस हूँ और मैं एंटरटेन हुआ हूँ या मैं एंटरटेन नहीं हुआ हूँ तो मेरा हक है वो बात करने का। सो दैट्स व्हाई आई विल नॉट स्पीक अबाउट पीपल आई डोंट नो, पीपल हु आर नॉट इन द हाउस, बट जो पीपल आर इन द हाउस आई थिंक रियलिटी प्रोड्यूसर्स हैव एवरी राइट टू पिक अप व्हाटएवर दे फाइंड अबाउट देम। इसीलिए शायद मैं बिग बॉस में नहीं जा रहा हूँ कि आई डोंट वांट माय बहुत सालों से आपका नाम आ रहा है, आई डोंट वांट माय पर्सनल लाइफ टू बी ऑन डिस्प्ले। जिस दिन मैं कंफर्टेबल हो जाऊंगा कि लोग मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में कमेंट करें बातें करें आई विल गो इनटू द हाउस बट नॉट राइट नाउ। आप टॉप 5 किसको देखते हैं और ट्रॉफी किसके हाथ में, मतलब एज अ न्यूट्रल ऑडियंस? न्यूट्रल आई थिंक विवियन, करण, शिल्पा, चुम एंड आई थिंक चाहत और रजत दलाल के बीच में, बिकॉज नॉट दैट आई लाइक रजत दलाल बट जैसे मुझे बोला गया है कि वो ट्रेंड कर रहे हैं तो मे बी रजत दलाल इज देयर, बट देन आई थिंक द फिफ्थ वन चाहत एंड रजत के बीच में उसमें होगा। और ट्रॉफी अभी तक का जो गेम देखा है, आई थिंक लेट द बेस्ट पर्सन विन, आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो, मेरा बस चले तो मैं चुम को दे दूं ट्रॉफी, बिकॉज़ आई रियली लाइक हर, आई थिंक शी इज वेरी नाइस, आई वुड गिव इट टू हर बट देन आई डोंट नो। थैंक यू सो मच। आप फैन से जाते हुए कुछ कहेंगे, एनी मैसेज? वेल मैं यही कहूंगा कि जिस तरह इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह वोट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बिग बॉस का वोट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब वोट करते हो तो एक फैन की तरह वोट नहीं करो, एक ऑडियंस की तरह वोट करो, एक एक इंसान की तरह वोट करो एंड वोट फॉर पीपल जो आपको ह्यूमनली पसंद आते हैं, जिनकी पर्सनैलिटी आपको पसंद आती है, क्योंकि ये सब लोग जिनके आप फैंस हैं वो आपको बाहर आके भी एंटरटेन करेंगे। बिग बॉस में जीतने का मतलब ये नहीं कि वो आपको हमेशा एंटरटेन करेंगे, वो करेंगे, आपकी लॉयल्टी है सही है, लेकिन मुझे लगता है कभी कभार लॉयल्टी को छोड़ के अगर आप एक इंसान को उसके क्वालिटीज पे वोट करें सो दैट विल बी बेटर, अदरवाइज इट्स अप टू यू, एंजॉय, हैव फन, बी गुड एंड टुमारोज इलेक्शंस प्लीज गो वोट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।